सक्सेस और खुशियों के रास्ते की तरफ आगे बढ़िए और वो सब कुछ सीखिए जो आपको लाइफ के बारे में जानना चाहिए। इस समरी में आप डिस्कवर करेंगे कि लाइफ कैसे काम करती है और इसे बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें दिए गए लेसन्स पढ़िए और सीखिए कि लाइफ में मुश्किल हालातों को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे खुद का ही बेस्ट वर्जन बना जाए और अगर कुछ गलत हो जाता है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि आपके थॉट्स और फीलिंग आपकी रियलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो आगे पढ़िए और लाइफ के पेचीदा प्रॉब्लम्स के बारे में जानिए और सीखिए कि उन्हें कैसे सुलझाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय बुक और आप सुन रहे हैं वी बुक। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी है हाउ लाइफ वर्क्स बाय एंड्रयू मैथ्यूज। क्या आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप सेम प्रॉब्लम फेस करते करते तंग आ चुके हैं? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि लाइफ कैसे काम करती है? ये समरी आपको सिखाएगी कि अपने लक या तकदीर का मास्टर कैसे बना जाए। अपने खुद के एक्सपीरियंस क्रिएट करो और वो सब कुछ अचीव करो जिसकी आपको ख्वाहिश है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो मैजिक है उसे डिस्कवर करने का अब समय आ गया है। हमारा माइंड हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आपके थॉट्स और फीलिंग में इतनी पावर है कि वो आपको बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। आपको बस ये पता करना है कि कैसे उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है। जो लाइफ आप डिस्कवर कर रहे हो, जो आप बनना चाहते हो, आपके अपने हाथ में है और आपकी खुशियों की चाबी और किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। चलिए इसके पहले चैप्टर की बात करते हैं। When bad things happen, क्या आपके साथ किसी दिन ऐसा हुआ है कि आपका एक भी काम ठीक से नहीं हो पाया हो? आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आपके काम नहीं बन पाए, कुछ गड़बड़ हो गई हो? अगर हाँ, तो इस बात को रामू से बेहतर और कौन समझ सकता है। उसकी लाइफ में ऐसे दुख भरे हादसों का एक लंबा सिलसिला रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं था। सबसे पहले तो उसकी जॉब छूटी, फिर सारी सेविंग्स गई, उसकी कार भी डैमेज हो गई और उसे महीने भर से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इतना सब होने के बाद रामू को यकीन हो चला था कि उसकी किस्मत ही खराब है। मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, रामू खुद से पूछता था। इस तरह की थिंकिंग के साथ उसकी लाइफ में सब कुछ बुरा तो होना ही था। रामू को कभी ब्रेक लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। वहीं रामलाल को साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है। 5 साल तक गर्लफ्रेंड ढूंढने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, अब जो होगा उसकी किस्मत डिसाइड करेगी। जल्द ही उसकी लाइफ में लड़कियों की लाइन लग गई, उसे कई डेट्स मिली और फिर जल्द ही उसे एक ऐसा इंसान मिला जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। उसे अपने सपनों की राजकुमारी मिल गई थी। वो अब एक स्टेबल रिलेशनशिप में है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। इन दोनों ही लोगों की कहानी में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि रामू के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि रामलाल को वो सब कुछ मिला जो उसे चाहिए था। आपके थॉट्स आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छा फील करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ें होने लगेंगी। इत्तेफाक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपने ठान लिया है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। रामू के साथ बुरी चीज़ें इसलिए होती थी क्योंकि उसका माइंड हर बुरी चीज़ पर फोकस करता था। उसका सारा ध्यान नेगेटिव चीज़ों पर रहता था, इसलिए उसके साथ नेगेटिव चीज़ें होती रहती थी। जबकि रामलाल के साथ उल्टा था। जब उसने गर्लफ्रेंड की तलाश छोड़ दी तो किस्मत ने उसके लिए राइट पार्टनर ढूंढ लिया। रामलाल ने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था, उसकी किस्मत ने उसका फ्यूचर डिसाइड किया। कभी कभी चीज़ों के पीछे भागने से वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो, वो खुद तुम्हारे पास आएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं,
रामलाल के केस में उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और अंत में सब ठीक हो गया। तो यहाँ लेसन ये है कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो। आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, व्हाई डू द सेम थिंग कीप हैपनिंग टू मी। कुछ लोग जाने अनजाने में सेम सिचुएशन में बार बार फंस जाते हैं, चाहे वो आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर लें तो भी चीज़ें गलत ट्रैक पर चली जाती हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। यानी ऐसे लोग कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाते। अब जैसे जग्गू को ही ले लो, उसकी आदत है कि वो हर जगह पहुंचने में लेट हो जाता है। वो मीटिंग के टाइम से घंटों पहले उठ चुका होता है तो भी मीटिंग में लेट पहुंचता है। उसकी यही आदत उसे मुसीबत में डाल देती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम में फंस जाना या गाड़ी की चाबी खो जाना, और कई बार तो वो मेडिकल कंडीशन की वजह से लेट हो जाता था। क्योंकि उसके पिता हार्ट पेशेंट हैं इसलिए जग्गू को उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अब अगर अल्लू अर्जुन की बात करें तो उसका पैटर्न है कि उसके साथ हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले वो पैसे बचाने की, पर उसकी सेविंग जीरो ही रहती है। एक तरह से कहें तो अल्लू अर्जुन अपने सैलरी के भरोसे ही जी रहा है। कई बार तो सैलरी आने से पहले ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है और फिर उसे मामूली गुजारे के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब होता है उसकी बुरी आदतों की वजह से। ये कहानी सिर्फ अल्लू अर्जुन की नहीं है बल्कि ज़्यादातर लोगों के साथ भी अक्सर यही होता है। ये सब उनके सबकॉन्शियस पैटर्न की वजह से होता है जो वो डेवलप करते हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस उन पैटर्न के जरिए क्रिएट होते हैं जो आपके माइंड में गहराई से बैठ चुके हैं। ये पैटर्न लाइफ में आपकी चॉइस को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इन पैटर्न को चेंज कर सकते हो। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपके थॉट्स उस हद तक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं जिस हद तक आप चाहते हैं। आप अपने सोचने का तरीका चेंज करके अपनी हैबिट्स भी चेंज कर सकते हो। इसलिए चाहे आप किसी बुरी सिचुएशन में ही क्यों ना हो, नेगेटिव साइड के बारे में मत सोचो। अपनी गलतियों पर बार बार फोकस मत करो, जो हुआ उसे भूलकर और उसे सबक लेकर आगे बढ़ो। चीज़ों को देखने और फील करने का अपना नज़रिया बदलो। याद रहे आपके थॉट्स और फीलिंग बेहद पावरफुल हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इम्प्रूव करने पर फोकस करोगे तो बड़ी इजीली आप सबकॉन्शियस पैटर्न को चेंज करके खुद को बेहतर सिचुएशन में ला सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, यू गेट व्हाट यू फील। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, या यूं कहें कि लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार हमारे साथ सब अच्छा होता है तो कई बार सब बुरा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं तो यकीन मानिए यही आपकी हकीकत बन जाएगी। चलिए हम मोनिका की कहानी से समझते हैं कि कैसे लाइफ में हमें किक करती है, स्पेशली जब तब हम पहले से ही परेशानियों से घिरे होते हैं। मोनिका का वो दिन सुबह से ही खराब जा रहा था। प्लेन में बैठने से पहले ही उसे लगेज चेकिंग की दिक्कत आई। सिक्योरिटी लाइन से गुजरने से पहले उसे अपने कई आइटम फेंकने पड़े जो वो साथ लेकर आई थी। जो परफ्यूम और लोशन उसने खरीदे थे वो सब उसे फेंकने पड़े। फिर उसके साथ टिकट चेकिंग में भी दिक्कत आई। मोनिका ने फर्स्ट क्लास में सीट बुक कराई थी पर उसे इकोनॉमी क्लास में जगह मिली। खैर, जब उसे प्लेन में बैठने की जगह मिली तो उसे पता चला कि जो बैग वो साथ लेकर आई थी उन्हें रखने के लिए ऊपर कोई कंपार्टमेंट अवेलेबल नहीं था। पूरे सफ़र के दौरान उसे अपने बैग को अपनी गोद में लेकर बैठना पड़ा। मोनिका को लगा कि चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा। तभी एक और गड़बड़ हो गई। एक आदमी जिसके हाथ में कॉफ़ी थी उसका हाथ हिला और सारी कॉफ़ी मोनिका की नई ड्रेस पर गिर गई। वो एक वाइट कलर का जंपसूट पहने हुए थी जिस पर कॉफ़ी के दाग और भी बुरे लग रहे थे। मोनिका के सब्र का बांध टूट गया। वो ज़ोर से चीखी और बोली,
मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमारे साथ एक के बाद एक बुरी चीज़ें होती रहती है। अगर आप सोचोगे कि कुछ गलत नहीं होगा तो यकीन मानिए कुछ गलत नहीं होगा। जब भी आप विक्टिम्स बनने की कोशिश करते हैं तो लाइफ आपको और परेशान करती है। मोनिका के साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसके नेगेटिव इमोशंस की वजह से एक के बाद एक गड़बड़ होती जा रही थी। लाइफ का रूल है, जो आप फील करते हैं वही आपको मिलता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे सामने ऐसी कई और चीज़ें आती हैं जिससे हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लाइफ उन्हें रिवॉर्ड देती है जो खुश रहते हैं। अगर आप खुश हैं तो आपको खुशी पाने के और भी मौके मिलेंगे। लाइफ का बस यही सिंपल सा फंडा है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कुछ बुरा होता है तो हमारे साथ कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती? ऐसे ही जब अच्छा होता है तो कुछ बुरा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि आपके थॉट्स और फीलिंग आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। जैसा हमने पहले बताया था, आपकी रियलिटी आपके थॉट्स और फीलिंग का ही मिला जुला रूप है। इनमें इतनी पावर है कि आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर आप वो डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो जिस पर आप चल रहे हो, तो पहले अपने थॉट्स को चेंज करो। आपके थॉट्स आपकी फीलिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ये आपके सारे एक्सपीरियंस के जड़ हैं। इसे आप अफर्मेशन से अचीव कर सकते हो। डेली अपने आप से बातें करो और खुद के बारे में कुछ अच्छा बोलो, और देखो कैसे लास्ट तक ये आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता रहेगा। जो हमें चाहिए उसे पाने से पहले हमें उसे फील करना होगा, और फील करने के लिए हमें उसके बारे में सोचना होगा। अफर्मेशन ही वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हो। खुद पर प्रेशर मत डालो, रिलैक्स रहो और अच्छी एनर्जी को खुद ब खुद फ्लो होने दो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपको वो चीज़ मिल चुकी है। अपने सपने को आप मन ही मन पूरा होता देखो। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार हमारे साथ सब बुरा ही बुरा होता है, लेकिन हमेशा बुरा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी ना कभी आपके अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे, इसलिए कुछ अच्छा होने से पहले बुरे दौर से गुजरना भी ज़रूरी है, तभी हम उस सुख का आनंद ले पाएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो। इसमें दुनिया भर की नॉलेज स्टोर हो सकती है और आप अनलिमिटेड स्किल्स की सीख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने ब्रेन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूज़ करते हैं। ब्रेन का एक बड़ा पार्ट हमारे सबकॉन्शियस एरिया से जुड़ा है। ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्शन, हैबिट्स और डिसीजन लिए जाते हैं। हम किस तरह की लाइफ जिएंगे ये मेनली हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है। तो अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो ये काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कर सकते हो। अपने सबकॉन्शियस को चेंज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग चेंज करनी होगी। सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव हैबिट्स छोड़नी होंगी, इसलिए ज़्यादा के लिए परेशान ना हो। जो आपके पास है उसी में खुश रहें। अपने नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पाओ। आपकी लाइफ में जो भी कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए खुद को या दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। यकीन मानो, जब आप खुद की हेल्प करते हो तो ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। इससे पहले वाले चैप्टर के पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी का काम करती है, यानी आप जो फील करते हैं वही आपको मिलता है। इसका मतलब है कि हमारे साथ वही होता है जो हम फील करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थ्योरी है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। आप चाहे नेगेटिव इंसान हैं या पॉजिटिव, आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप फील करते हो। इस थ्योरी के पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है उसका लिंक वाइब्रेशंस के साथ है। आपके थॉट और फीलिंग एक खास फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन रिलीज करते हैं। ये वाइब्रेशन यूनिवर्स से सेम तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती है। जो सेम वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ी होती हैं। शायद इसीलिए जिस दिन हमारा दिन बुरा होता है
तब एक के बाद एक चीज़ें गलत होती चली जाती हैं। सक्सेसफुल लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, जहाँ तक कि कई जाने माने लोग भी इस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकते कि आज वो जिस मुकाम पर है या उनके पास जो कुछ भी है उसे पाने के लिए उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ली थी। नेपोलियन हिल, एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड भी इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उनकी सक्सेस में उनके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो यही सोचो और फील करो, लेकिन साथ ही आपको राइट एक्शन भी लेने पड़ेंगे। आप कभी भी कुछ हासिल करने के लिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, रेजिस्टेंट। लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसा वो चाहते हैं उनके साथ बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और जब उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती तो वो हर्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं। इन सब का नतीजा होता है कि उनके अंदर कड़वाहट और गुस्सा बढ़ जाता है और लोग अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस के जाल में फंसकर रह जाते हैं। उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती और उनका माइंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना बंद कर देता है। उन्हें बस उस दर्द का एहसास होता है जो वो फील कर रहे होते हैं। ये नाराज़गी हमें सेम एक्सपीरियंस बार बार फील करवाता है, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ों को रजिस्टर करना छोड़ दो, उन्हें खुलकर अपनी लाइफ में फ्लो होने दो। आपको एहसास होगा कि दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि प्रॉब्लम आपके अंदर है। मुसीबतें तभी मुसीबत होती हैं जब तक आप उन्हें होने का मौका देते हो। जो हुआ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस सिचुएशन के बारे में क्या फील कर रहे हो। अगर आप नेगेटिविटी को अपनी फीलिंग को इफ़ेक्ट नहीं करने देंगे तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। चलिए लैला की कहानी सुनते हैं कि कैसे उसने अपना मूड चेंज करके एक बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल दिया। लैला की हांगकांग में 3 दिन की एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग होने वाली थी। उसने टेक्सास से दोहा और दोहा से हांगकांग की कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की थी। 3 घंटे तक लाइन में लगने के बाद एयरलाइन ने अचानक अनाउंस कर दिया कि उन्हें एक मैकेनिकल फेलियर की वजह से दोहा की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ रही है। लैला के तो होश ही उड़ गए थे। उसकी बिजनेस मीटिंग का क्या होगा? अगर वो दोहा नहीं पहुंची तो उसकी हांगकांग वाली कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो जाएगी। लैला को एयरलाइंस वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो काफ़ी स्ट्रेस फील कर रही थी। उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। वो बार बार यही बोले जा रही थी, उफ़ क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूँगी, मेरे साथ ही सब गड़बड़ क्यों होती है। उसके बाद लैला का वॉलेट और बैग बाथरूम में ना जाने कहाँ गुम हो गया। उसने इतना बुरा लग रहा था कि उसका दिल चाहा कि जोर जोर से रो दे। उसके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसके इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उल्टा और गड़बड़ हो जाएगी। उसने सोचा कि अब वो शांत रहेगी, जरा भी नर्वस नहीं होगी, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगी। जल्दी लैला को एक पुरानी फ्रेंड मिली जो उसी एयरपोर्ट पर काम करती थी। लैला ने उसे सारी बात बताई। उसकी फ्रेंड ने वादा किया कि वो उसका बैग और वॉलेट ढूंढने में हेल्प करेगी। उसकी फ्रेंड ने 1-2 जगह फ़ोन कॉल्स किए तो पता चला कि मैनेजमेंट को लैला का सामान मिल गया है जो उन्होंने 1 घंटे पहले ही लास्ट एंड फाउंड सेक्शन में रख दिया था। उसके बाद लैला को जल्द ही दूसरी फ्लाइट भी मिल गई और वो सीधा हांगकांग के लिए रवाना हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी फीलिंग हमारे आसपास के माहौल को इफ़ेक्ट करती है। जब आप रजिस्टर नहीं करते हो और जो हो रहा है उसे होने देते हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होता है। हर चीज़ आपके हिसाब से होती चली जाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल हालात में ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। दर्द सबसे बड़ा और ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचर है, जो आपको वो सिखा जाता है जो कोई और नहीं सिखा सकता।
लोग चीजों की कदर तभी करते हैं जब वो उसे खो देते हैं। एक बार अगर आपने ये सबक सीख लिया तो फिर कभी कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर पाएगी। मुश्किलों से घबराओ मत, बल्कि उससे सबक सीखो और आगे बढ़ने के मौके पाओ। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, लेट गो। अगर लाइफ में खुश रहना है तो डिटैचमेंट की आदत डालो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लो या आपको किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी वर्थ समझें और जो हो रहा है उसे होने दें। आपने शायद नोटिस किया होगा कि चीज़ों के पीछे भागने से वो और भी दूर चली जाती हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या करियर। डिटैचमेंट का मतलब है अपनी सारी चिंता फिक्र से छुटकारा पाना। आपको अपने हिस्से की चीज़ ज़रूर मिलेगी और हर चीज़ का एक वक्त होता है। ये मत सोचो कि अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका है वो लौटकर एक दिन आपके पास जरूर आएगा, और अगर नहीं आया तो समझो वो आपका कभी था ही नहीं। जो लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं। उनकी लाइफ में कई ऐसे टफ पॉइंट आते हैं जो उन्हें तोड़कर रख देते हैं। जब आप एकदम टूट जाते हो, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो आपके लिए वो सब अचीव करना मुश्किल हो जाता है जो आप पाना चाहते हो। हालांकि कुछ सिक्योर लोगों को बड़ी इजीली वो सब मिल जाता है जो वो चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके थॉट्स की वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंच रही है। डिटैचमेंट आपका माइंडसेट मुझे ये चाहिए या मुझे इसकी ज़रूरत है से मेरे पास पहले से ही वो है जो मुझे चाहिए में शिफ्ट कर देता है। इस तरह से यूनिवर्स आपको बड़े आराम से वो सब अचीव करने का टाइम देती है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप उसके लिए बेसब्र नहीं हो रहे। जैसे एग्जांपल के लिए, जॉनी को अपने ऑफिस के पास ही एक अपार्टमेंट चाहिए था। उसने अगले महीने तक हर हाल में शिफ्ट करना था, वरना उसके बेघर होने की नौबत आ सकती थी। जॉनी के पास टाइम कम था, इसलिए उस पर प्रेशर ज़्यादा था। वो काफ़ी बेसब्र हो रहा था। उसने कई सारी एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करके अपनी सिचुएशन बताई, पर कहीं बात नहीं बनी। फिर आखिरी हफ्ता आते आते जॉनी ने खुद को सिचुएशन से डिटैच कर लिया। उसे यकीन था कि यूनिवर्स के पास उसके लिए इससे भी अच्छा प्लान होगा, तभी तो उसे अब तक कोई घर नहीं मिला। अगर उसे इस हफ्ते तक भी अपार्टमेंट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं से उसे हेल्प मिल ही जाएगी। डिटैचमेंट माइंडसेट डेवलप करने के बाद जॉनी को अपनी बिल्डिंग के दूसरी तरफ ही 3 खाली अपार्टमेंट मिल गए। उसने एक को चूज़ किया और वीकेंड तक शिफ्ट भी कर लिया। जॉनी की कहानी हमें सिखा दिया है कि कैसे डिटैचमेंट हमें ईजी लाइफ जीने में हेल्प करती है। लाइफ का सीक्रेट है लेट गो करना, यानी चीज़ों को पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो। आप भी ये फॉर्मूला ट्राई करके देखो। चीज़ों को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर आप ये फैक्ट समझ गए तो आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस। हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है। आपका एनर्जी लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से अच्छा फील करोगे तो आपकी एनर्जी आपके अंदर ही फ्लो करेगी। ये आपको वो सब करने की पावर देगी जो आप करना चाहते हो। हालांकि आप जिस वक्त नेगेटिव फीलिंग से घिरे होते हो, आपका एनर्जी फ्लो ब्लॉक होने लगता है, जिससे कि आप एकदम थका हुआ और स्ट्रेस्ड मूड में आ जाते हो। आपके अंदर की एनर्जी फ्लो को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए जीतू की कहानी सुनते हैं। जीतू का वो दिन ऑफिस में काफ़ी हेक्टिक रहा था। उस दिन उससे कई गलतियां हुई और अपने एक कलीग से उसकी लड़ाई भी हो गई। उसने गलती से अपनी डेस्क पर कॉफ़ी गिरा दी और कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को गलती से डस्टबिन में फेंक दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि घर लौटते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी को टोचन करवाना पड़ा। दिन भर की इस भाग दौड़ के बाद जीतू बुरी तरह से थक गया था। उसका एनर्जी लेवल एकदम नीचे चला गया था। वो बस अब सोना चाहता था। जब वो घर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा फ़ोन कॉल आया। उसने फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कॉन्ग्रेचुलेशन,
आपने टाउन लॉटरी की तरफ से $50,000 जीते हैं। जेरी को यकीन ही नहीं हुआ। वो आश्चर्य का कारण उछल पड़ा। उसे अचानक अपनी बॉडी में एनर्जी फ्लो होता हुआ फील हो रहा था। जीतू दौड़ता हुआ नीचे आया और अपनी पत्नी और बाकी फैमिली मेंबर्स को ये गुड न्यूज़ दी। जीतू की हैरानी और खुशी देखने लायक थी। मारे खुशी के वो साथ में आसमान पर था और एक पल में ये भी भूल गया था कि आज उसका कितना बुरा दिन गुजरा था। इस कहानी से आप देख सकते हैं कि जीतू की एनर्जी कितनी जल्दी वापस आ गई थी। आज कितना बुरा दिन है से आज मेरा सबसे अच्छा दिन है वाला माइंडसेट चेंज करते ही उसकी बॉडी का एनर्जी फ्लो अनब्लॉक होकर पूरी बॉडी में फ्लो होने लगा था। कुछ ही पलों में वो थके हुए मूड से एक्साइटमेंट मूड में आ गया था। एनर्जी ब्लॉकेज रेजिस्टेंस की वजह से होता है। आप जब सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपके एनर्जी चैनल बंद होकर ब्लॉक हो जाते हैं। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है एक्सेप्टेंस। इसके जरिए आप एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने देते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता है और ना ही इसका ये मतलब है कि आप करंट सिचुएशन से समझौता कर लें, बल्कि इसका मतलब है आपको अपनी सिचुएशन की एकदम क्लियर नॉलेज होना चाहिए। आप कहां पर हो, आप चाहे कितनी ही टाइट सिचुएशन में हो, आपको पता होना चाहिए कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाओगे। यानी आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो है जैसा है आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि एक ना एक दिन आप उससे बेहतर सिचुएशन में होंगे। आपको पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई करके एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना हर दिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से शुरू करो। गलतियों से निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलतियाँ हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं। इसके बजाय उन्हें एक्सेप्ट करो और फ्यूचर सिचुएशन के लिए उनसे सबक लो। एक्सेप्टेंस आपको वो पावर देती है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सको। इसके जरिए आप किसी भी हालात से टक्कर लेने के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे। आगे बात करते हैं अ बेटर वे टू अचीव गोल्स। ज्यादातर लोग अपने गोल्स के कारण मोटिवेट होते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। यानी वो दिन रात अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर वो अपने गोल्स अचीव ना कर पाए तो क्या होगा? वैसे तो गोल्स सेट करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अगर आप कुछ हासिल करने का सपना देख रहे हैं तो आपको गोल सेट करने ही पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे गोल सेट करने का तरीका। कई बार लोग अपना स्टैंडर्ड इतना हाई रख लेते हैं कि अगर उनके सपने पूरे नहीं होते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। गोल डेवलप करने के दो तरीके हैं, हार्ड वे और इजी वे। हार्ड वे में स्पेसिफिक गोल्स आते हैं। आप आमतौर पर बोल सकते हैं मुझे ये कार चाहिए या ये घर चाहिए या वो जॉब चाहिए। ये वो गोल्स हैं जहाँ गलती करने के लिए बहुत कम जगह होती है। यानी इसे करो या मरो वाली सिचुएशन कहा जा सकता है। इसमें आप अपनी अचीवमेंट को तभी अप्रिशिएट करते हैं जब वो आपके सपनों से मैच करते हो। जब आप ज़बरदस्ती चीज़ें अचीव करना चाहते हो और वो होती नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। अक्सर ऐसे हालात में इंसान पर काफ़ी प्रेशर होता है जिसके चलते वो काफ़ी निराशा फील करता है। इजी तरीका ज़्यादा जनरल है। ये आपको बिना अटैच्ड हुए चीज़ों को यूज़ करने की आज़ादी देता है और साथ ही ये आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में ज़्यादा खुश फील कराता है। इसमें आप कहते हो मुझे ये घर चाहिए या इससे भी बड़ा घर चाहिए या मुझे ये जॉब चाहिए या इससे भी बेटर जॉब चाहिए। आप लाइफ को खुद डिसाइड करने देते हो और चीज़ों को खुद से होने देते हो। इस तरह से आपको जो हुआ उसके प्रति कम निराशा या प्रेशर फील होता है। हार्ड और इजी के बीच के फर्क को समझने के लिए आइए सत्तू और कालिया का एग्जांपल लेते हैं। सत्तू को जहां याद है उसे हमेशा से एक रेड फरारी लेने का शौक था। वो दिन रात मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था ताकि अपनी ड्रीम कार ले सके। एक साल तक सेविंग करने के बाद
सत्तू के पास कार खरीदने लायक पैसे जमा हो गए थे, लेकिन सत्तू की माँ अचानक बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। सत्तू को सारा खर्चा उठाना पड़ा। जो पैसे उसने कार के लिए जमा किए थे वो हॉस्पिटल में बिल देने में चले गए और सत्तू का सपना टूट गया। वो बेहद उदास और दुखी था। वो एकदम नामुमीद हो गया था, जिसके चलते उसका ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता था। उसे लगा कि उसके पास अपनी मनपसंद कार लेने का सिर्फ एक चांस था और वो भी किस्मत ने उससे छीन लिया था। अब काली की सिचुएशन देखते हैं। काली को हमेशा अच्छी गाड़ियों का शौक रहा। उसे मॉडल या ब्रांड से कोई मतलब नहीं था, बस गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए थी। कुछ साल तक सेविंग करने के बाद काली ने फाइनली एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी ले ली। यहाँ सत्तू और काली की सिचुएशन में ये फर्क है कि सत्तू का गोल बहुत स्पेसिफिक है, जबकि काली का ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था। उसका गोल जनरल था। सत्तू के ऊपर प्रेशर था अपना सपना पूरा करने का, जो कि पूरा ना होने पर उसे काफ़ी निराशा हुई, जबकि काली का जनरल गोल लेकर चल रहा था। उसे एक बढ़िया और फास्ट कार चाहिए, इसलिए उस पर कोई प्रेशर नहीं था। अपने गोल्स को स्पेसिफिक से जनरल में चेंज करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस मत करो, बाकी चीज़ें अचीव करने पर भी ध्यान दो। अगर आप अपने गोल्स के प्रति अनअटैच्ड रहोगे तो आपको उन्हें पाने पर और भी ज़्यादा खुशी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अ स्केच ऑफ हाउ लाइफ वर्क्स। 3 साल की छोटी उम्र में ही इंसान समझ जाता है कि लाइफ कैसे काम करती है, लेकिन अपने माहौल की वजह से आपका सबकॉन्शियस सिचुएशन को प्रोसेस करने में मुश्किल तरीके आपका सबकॉन्शियस माइंड सिचुएशन को प्रोसेस करने के मुश्किल तरीके डेवलप कर लेता है, जिससे आपके लिए खुश रहना और भी मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे हर वक्त खुश रहते हैं? वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ों को खुश होने का कोई बहाना चाहिए। आप किसी चीज़ को पाने के लिए जद्दोजहद करते हो और जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है आप खुश हो जाते हो, लेकिन फिर जल्द ही वो खुशी भी मिट जाती है और आपके दिल में एक नई इच्छा पैदा होती है। जैसा हमने पहले बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी खुशियों के लिए ज़िम्मेदार है। अगर आपको पता चल गया है कि आप अपने फील करने का तरीका चेंज कर सकते हो, तो आप अपनी किस्मत भी चेंज कर सकते हो। 7 आदतें सक्सेस और हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं, जो हैं, लाइफ को खुलकर जियो, अपने लिए गोल सेट करो, बिना किसी उम्मीद के काम करो, चारों ओर प्यार बांटो, साफ और माफ़ करना सीखो, भेदभाव मत करो और नेगेटिव सोचना छोड़ दो। इन 7 आदतों के साथ आप अपनी बेस्ट लाइफ जीने का सपना पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखना ज़रूरी है कि सिर्फ सक्सेस आपकी अल्टीमेट खुशी नहीं रहेगी, बल्कि आपकी खुशी आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आप अपनी खुशी को सक्सेस के भरोसे रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। सेनोरिटा ये लेसन काफ़ी मुश्किल से सीख पाई थी। सेनोरिटा हमेशा से ही ओवर अचीवर रही थी। वो अपनी अचीवमेंट के बेसिस पर खुद की वैल्यू करती थी। वो एलिमेंट्री स्कूल से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। इसी कारण जब उसे कॉलेज में अपना पहला खराब ग्रेड मिला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो बुरी तरह से परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। डर के मारे उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से वो उसे घर से निकाल देंगे। सेनोरिटा को डिप्रेशन हो गया था। वो सारा दिन पढ़ती रहती, यहाँ तक कि उसे अपने खाने पीने और सोने का भी ध्यान नहीं रहता था, लेकिन इसका असर सीधा उसकी हेल्थ पर पड़ रहा था। अंत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर ने उसे आराम करने और स्ट्रेस ना लेने की सलाह दी। उस पॉइंट पर आकर सेनोरिटा ने डिसाइड कर लिया था कि वो बेकार की टेंशन नहीं लेगी और अपने डर का सामना करेगी। वो समझ चुकी थी कि जिंदगी अपने फैसले खुद लेती है, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं होता है।
उसके बाद से सेनोरिटा ने खुद को एकदम चेंज कर लिया। वो अब पहले से ज़्यादा कूल रहने लगी थी और बाहर आने जाने लगी थी। उसने अपने गोल्स से खुद को डिटैच करना सीख लिया था। वो अब अपने नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ चुकी थी। उसने ट्रिप्स पर जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था जो उसका टेंशन दूर करती थी। सेनोरिटा ने आखिरकार खुश रहने का तरीका ढूंढ ही लिया। उसकी सेल्फ वर्थ अब उसकी अचीवमेंट पर डिपेंड नहीं करती थी। वो जितना कम उम्मीद रखती उससे कहीं ज़्यादा उसे मिल जाता था और यही उसके खुश रहने की सबसे बड़ी वजह बनी। जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार फील करो और अगर कुछ ज़्यादा मिले तो उसे भी एक रहमत समझो। सेनोरिटा का फोकस अब खुद पर और अपने प्रेजेंट पर रहता था, जिस वजह से वो अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही थी। आइए इस समरी के लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, Why am I here? सोचो अगर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ गोल अचीव करने में निकल जाए तो क्या होगा? आप बस काम काम और काम ही करते रहोगे उन चीज़ों को पाने के लिए जिनके लिए आपने डेडलाइन सेट कर रखी है। फिर एक दिन आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसका आपने सपना देखा था। उसके बाद आगे क्या? आपका पर्पस जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसमें एक बेस्ट एम्प्लॉय होने, बेस्ट घर का मालिक होने और अपनी फैमिली का सबसे अमीर आदमी होने के अलावा भी बहुत कुछ है। और वो पर्पस है खुशियाँ, जिसे पाना हर इंसान की पहली ख्वाहिश होती है। हर इंसान की ज़िंदगी खुशियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यही हर चीज़ की शुरुआत, अंत और सेंटर है। लोगों के अंदर अपने खुद के एक्सपीरियंस क्रिएट करने की पावर है, यानी हम अपनी लाइफ के मास्टर खुद हैं। इसके साथ ये देखना इजी हो जाता है कि आप अपनी खुशियाँ खुद ढूंढें। इंसान ज़िंदगी का विक्टिम नहीं है। जो आप नहीं करना चाहते उसे करने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। आपकी लाइफ आपके थॉट्स और फीलिंग को दिखाती है। आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं। लाइफ कैसे काम करती है, आपको खुद के लिए और अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में खुश रहना चाहिए, तभी आपको लाइफ में सब कुछ बेस्ट मिलेगा। आपका पर्पस है सोचना, प्यार करना और एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना जो आपको पहले से ज़्यादा बेटर फील कराए। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप लाइफ का असली मतलब समझ जाओगे। दोस्तों, ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, अगर आपने इस समरी से कुछ भी सीखा है तो उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें और साथ ही सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।